हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर वेयर कलेक्शन, एंड ये है स्पेशली वॉर्म बेड शीट्स। इससे पहले मैं आपको मीशो से दिखा चुकी हूँ, तो वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद करी थी वीडियो, एंड इस बार मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमेजन से, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये प्रोडक्ट्स। बाकी मैं आपको अभी दिखाऊंगी, तो उनके बारे में मैं आपको अच्छे से फीडबैक दूंगी। काफ़ी सारा स्टफ़ है, ब्लैंकेट है और सोफ़ा कवर भी है इसमें, प्लस वार्म बेड शीट्स वगैरह हैं। तो इनको चाहे तो आप किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं, लाइक जैसे कि वेडिंग आ रही है उसमें भी आप किसी को गिफ्टिंग में दे सकते हैं, या फिर अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हैं तो दे सकते हैं, बिकॉज विंटर्स में ये चीज़ें बहुत ही यूजफुल रहती हैं। या फिर अगर आपके यहाँ कोई आ रहा है, इस तरह से आप इनको दे भी सकते हो और घर में स्पेशली आप यूज़ भी कर सकते हो। तो बहुत अच्छा स्टफ़ है, रियली मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड हर एक के बारे में आपको बताऊँगी कैसे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हॉल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये, एंड ये एक्चुअली मैं इस बार एक और चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि जो मैंने मीशो की दिखाई थी उसमें पिलो कवर्स नहीं थे काफ़ी सारी बेडशीट्स के साथ। तो आप लोगों के बहुत सारे लोगों के कंसर्न आ रहे थे कि इसमें पिलो कवर्स नहीं है, तो उसमें पिलो कवर्स नहीं था, वो सिर्फ आपको बेडशीट ही मिलती है बिछाने के लिए और कुछ नहीं, या फिर आप उनको ओढ़ सकते थे। तो इस बार आपको मिल जाते हैं इनमें पिलो कवर्स भी, तो इस तरह का आपको बैग रिसीव होता है, एंड सभी के आपको ट्राई ऑन्स देखने के लिए मिलेंगे। ताकि मेरे बेड का साइज़ जो है वो 6x6 है, किंग साइज़ का है, और ये क्वीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्वीन के लिए तो हर एक, मतलब मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल सूटेबल है, एंड किंग के लिए अगर आपको टकिंग वाला चाहिए तो हो जाएंगे टक। और बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं, साइड से भी आपको लुक देखने के लिए मिलेगा, तो सारा आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ, बिकॉज ट्रायल्स जो होंगे वो बीच में होंगे, आपको कहीं पर भी देखने के लिए मिल सकते हैं ट्रायल्स, तो आप देख लीजिएगा। तो सारे वहीं पर आपको साइज़, डायमेंशंस और ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो ये है ब्राउन कलर में, कॉफ़ी कलर है बेसिकली, एंड उसके ऊपर लीफ प्रिंट हो रहा है, लीफ डिज़ाइनिंग है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सॉफ्ट फैब्रिक इतना है कि मतलब आप आराम से, लाइक सर्दियों में जब इसको बिछाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड ये मल्टीपर्पज़ काइंड ऑफ होते हैं, चाहे तो आप इनको बिछा सकते हैं, चाहे आप इनको ओढ़ सकते हैं, लाइक हल्की सी लाइट विंटर्स के लिए ओढ़ने के लिए भी सूटेबल होते हैं। तो ऊपर ये फर वाला फैब्रिक मिल जाता है, एंड अंदर से इसमें यहाँ पे इस तरह का फैब्रिक है, लाइक ये धुलने के बाद भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि अच्छे से यहाँ पे वीविंग हुई भी है, एंड यहाँ पे इंटरलॉकिंग भी हुई हुई है। तो लाइक जैसे कि अगर जो सिंपल वो होती है स्टिचिंग, तो वो उधर जाती है धुलने पे, अगर आप इसको मशीन वॉश करेंगे तो वो उधर जाती हैं, इंटरलॉकिंग जो होती है वो नहीं उधरती है। एंड बहुत ही प्यारा प्रिंट है, बहुत सुंदर लग रहा है, डार्क कलर है, तो इसको आप आराम से किसी के भी रूम में बिछा सकते हैं, चाहे तो अपने रूम के लिए भी सूटेबल है आपके, चाहे बच्चों के लिए रूम के लिए, चाहे आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स किसी के भी रूम में बिछा सकते हो। ये है इसका पिलो कवर, पिलो कवर के साइज़ ओके हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अगर आपके पिलो बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आपके पिलो कवर्स पे नहीं चढ़ेंगे, अगर आपके पिलो कवर्स का नॉर्मल सा साइज़ है तो डेफिनेटली आ जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है ये जिप वाला पोर्शन, जिप की क्वालिटी ठीक है, एंड स्टिचिंग क्वालिटी भी मुझे ठीक लग रही है। तो इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी, थोड़ा सी कॉस्टली है बट वर्थ बाइंग है, बिकॉज इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है एंड काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसकी सारी डिटेल्स आपको ट्रायल शूट्स में मिल जाएंगी कि लाइक इसके क्या डायमेंशंस हैं, क्या इसका साइज़ है, तो इसके लिए मैं हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ, आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। इसमें थोड़ा सा वेलवेट वाला लुक आ रहा है, जो बहुत ही स्मार्ट सा लुक दे रहा है बिछने के बाद, एंड ट्रायल शूट में आप देख ही रहे होंगे बहुत अच्छा लग रहा है। तो लाइट कलर के पेंट के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा एंड बहुत ही सुंदर लगेगा ये। तो इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। देन नेक्स्ट है ये भी एक बैग में रिसीव हुआ है, ये है ब्लू कलर में, ब्लू लाइट ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन टोन है, जो बहुत सुंदर लग रहा है। एंड इसमें भी आपको हल्का सा लाइक वेलवेट वाला टच मिल जाता है,
भिजने के बाद बहुत अच्छी शाइनिंग आ रही है कपड़े में। वार्म बेडशीट होती हैं ये, बहुत सुंदर लगती हैं एंड विंटर्स में एकदम परफेक्ट रहती हैं। लाइक नीचे से जब वार्मनेस मिलती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है एंड कंफर्टेबल रहता है, ठंड कम लगती है। तो इस तरह की बेडशीट्स आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं एंड बहुत अच्छा लुक लगता है इनका। तो यहाँ पे आपको ये सर्कल वाला पैटर्न मिल जाता है, देन यहाँ पे आपको स्ट्राइप्स मिल जाती हैं लाइटर एंड डार्कर शेड में, तो बहुत सुंदर लुक है इसका भी। पीछे से इसमें भी इंटरलॉकिंग हो रही है एंड फैब्रिक क्वालिटी ये है। बट इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब मैंने इसको बिछाया था लाइक बेड पे डाला था तो इसके पीछे से ना वो बूर बूर टाइप्स निकल रहा था, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। लाइक बाकी और किसी में कोई शिकायत नहीं लगी मुझे, बट जब मैंने इसको बिछाया तो काफ़ी सारा ब्लू ब्लू कलर का बूर बूर सारे बेड पे हो गया था, बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक बेडशीट बिछाई हुई थी उसी के ऊपर मैंने सारे लगा के दिखाए थे आपको। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इसका लाइक धुलने में थोड़ा सा लाइक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपको अच्छा लगता तो आप ले सकते हो। एंड इसके साथ भी आपको मिल जाते हैं पिलो कवर्स। इसके जो पिलो कवर्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, लाइक अगर आपका पिलो का साइज़ बड़ा है तो आप डेफिनेटली लगा सकते हो एंड इस बेडशीट के लिए जा सकते हो, बिकॉज और बेडशीट से इसका साइज़ थोड़ा बड़ा लगा मुझे पिलो का। एंड इसमें भी आपको चेन मिल जाती है पीछे से, जिप क्वालिटी अच्छी है, लुक वाइज एकदम परफेक्ट है, बहुत सुंदर लग रहा है लगने के बाद एंड काफ़ी अच्छा लुक आएगा आपके रूम में, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बट मैंने जो इसका आपको एक चीज़ बताई है वो आप देख सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपको ठीक लगता है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो। तो लाइक अगर आपको बिना पिलो कवर्स के साथ चाहिए वाली बेडशीट तो आप मेरी मीशो वाली देख सकते हो, और उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छा कलेक्शन दिखाया है एंड ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे विद पिलो कवर्स हैं। लाइक समटाइम्स ये होता है कि हमें मैचिंग के चाहिए होते हैं तो मैचिंग का इसमें मिल रहा है। फ्रेंड्स जैसे कि विंटर्स चल रही हैं तो हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, उसके लिए मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ, वो है ममार्थ का ओपटन बॉडी लोशन एंड इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं टर्मरिक एंड कोकम बटर। टर्मरिक एंटीसेप्टिक होती है एंड कोकम बटर जो है आपकी ड्राई स्किन को और आपकी जो लाइक क्रैक स्किन होती है उसको हील करने में काफ़ी हेल्प करती है, स्पेशली आपकी एल्बोस और नीज वगैरह को, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो विंटर्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड प्लस ये आपको ग्लो भी प्रोवाइड करेगा आपकी स्किन को, तो डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ये नॉन ग्रीसी है, लाइक बहुत सारे मॉइस्चराइज़र हम यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ग्रीसी ग्रीसी ऑयली वाला फील देते हैं। बेसिकली मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइक सेंसिटिव रहना पड़ता है कि लाइक ऑयली ऑयली ना लगे, तो ये नॉन ग्रीसी है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, वैसे तो ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, बट अगर ऑयली है तो भी आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ममार्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, उनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। ममार्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है, जितनी प्लास्टिक वो यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा वो रिसाइकिल करते हैं। ममार्थ के प्रोडक्ट्स आपको mamaearth.in पे तो मिल ही जाते हैं, प्लस ये आपको अमेजन नाइका एंड पर्पल पे भी मिल जाते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं shipra2021 तो आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। तो जब भी कभी आप ममार्थ से शॉपिंग करते हैं तो आपके ऑर्डर को लिंक कर दिया जाता है एक लाइव ट्री से, जिसकी जियो लोकेशन और स्पीसीज वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स ममार्थ ने अपनी ऐप भी लॉन्च करी हुई है, जिसका डाउनलोड लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है अर्ली एक्सेस टू एनी डील्स एंड ऑफर्स ऑन ममार्थ। तो आइए फ्रेंड्स अब मैं आपको आप लाइव ही करके दिखा देती हूँ। तो आप इसको पंप आउट कर सकते हैं जितना भी आपको लगाना है एंड ये लाइट येल्लो कलर में है, लाइक हल्दी का है, टेक्सचर काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका, स्मूथ सा है
विंटर्स में बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अपनी स्किन को एक नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। विंटर्स के लिए बॉडी लोशन यूज़ करना बहुत ही अच्छा रहता है। एंड आप देख सकते हैं, तो इसको आप डेफिनेटली जब यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छी हो जाती है आपकी स्किन एंड काफ़ी हाइड्रेट रहती है, तो आप लोग डेली यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो दिन में दो बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। द नेक्स्ट है ये, एंड ये ब्लैंकेट कम कम्फर्टर है और ये माइक्रोफाइबर इसके अंदर है। ये बच्चों के लिए है एंड इस तरह का आप ले सकते हो। मैंने सिंगल बेड का मंगाया है, इसमें डबल बेड का भी अवेलेबल है। और इससे पहले जो मैंने आपको ग्लू वाली बेडशीट दिखाई है वो भी सिंगल बेड में अवेलेबल है। तो अगर आप बच्चों के रूम के लिए लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। ऐसे ही ये सिंगल बेड में भी अवेलेबल है, डबल बेड में भी अवेलेबल है। तो मैंने सिंगल बेड के लिए मंगाया है एंड बहुत अच्छा कलर टोन है। वाइट बेस पे ये एनिमल प्रिंट मिल जाता है आपको, लायन एलिफेंट बहुत सारे एनिमल्स बने हैं। प्लस ये डबल साइडेड है तो आप एक साइड से ऐसे एनिमल प्रिंट वाला बिछा सकते हो, अगर आप चाहो तो एक साइड से ऐसा प्लेन वाला है। तो मल्टीपर्पज़ काइंड ऑफ है, जब कभी आपको जिस भी कलर कोऑर्डिनेशन की टोन से आपको बिछाना है आप बिछा सकते हो, ओढ़ना है ओढ़ सकते हो। तो ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा, फैब्रिक क्वालिटी अच्छी है, साइज़ इसका अच्छा है। सिंगल बेड बोला गया है बट सिंगल बेड से भी काफ़ी अच्छा साइज़ है। अगर आप ये टीनेजर बच्चों के रूम के लिए भी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। आराम से इसमें एक बड़ा बंदा आ सकता है और इसको ओढ़ सकता है एंड काफ़ी सुंदर लगेगा ये। इसमें यहाँ पे कंट्रास्टिंग में पाइपिंग दी गई है, पाइपिंग की क्वालिटी भी अच्छी है। तो मुझे ओवरऑल ये भी बहुत प्यारा पीस लगा। तो इस तरह का ब्लैंकेट आप किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हो। अगर आप किसी बच्चे के ओकेशन में जा रहे हो तो आप उसको गिफ्ट में भी दे सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा एंड कंफर्टेबल पीस है। तो इसके लिए मैं हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ। ये सोलिमो ब्रांड का है एंड सोलिमो वन ऑफ द फेवरेट है मेरा अमेजन का ब्रांड, स्पेशली बेडशीट। और मैंने फर्स्ट टाइम सोलिमो का कम्फर्टर मंगाया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए मैं हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ। बेडशीट के लिए तो मैं करती ही हूँ हमेशा, बट ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो इसके लिए आप डेफिनेटली जा सकते हो। एंड मैंने अमेजन का स्टोर फ्रंट भी क्रिएट किया हुआ है तो वहाँ पे जो भी मेरे सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैं बेसिकली यूज़ करती हूँ, ज़्यादा टाइम से लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ, कैटेगरी वाइज वहाँ पे आपको आइटम्स मिल जाएंगे तो आप वो देख सकते हैं एंड अपना टाइम बचा सकते हैं। तो स्टोर फ्रंट का मेरा लिंक है ये और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा एंड उससे अपनी आप शॉपिंग को ईजी बना सकते हैं। तो इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूँगी। देन नेक्स्ट पीस है ये, एंड ये बैग में रिसीव हुआ है कुछ इस तरह से। बैग की क्वालिटी अच्छी लग रही है, ये बैग काफ़ी अच्छे लगते हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है ना उनको आप वापस से रीयूज़ कर सकते हो एंड उनमें अपना सामान जैसे कि बेड कवर्स होते हैं, बेडशीट होती हैं, उनको उसमें रख सकते हो वापस से। तो ये जो बेडशीट है ये भी बहुत ही प्यारी बेडशीट लगी मुझे एंड साइज वाइज भी अच्छी है। ये है डार्क ब्राउन कलर की विद लाइट शेड एंड डार्क शेड टोन है, बहुत सुंदर लगा है लगने के बाद, फ्लावर डिजाइनिंग है एंड इसमें आपको पिलो कवर्स भी मिलते हैं। एंड इसका जो फैब्रिक है वो दोनों साइड से सेम है, आपको पीछे से भी ऐसा ही दिखेगा एंड आगे से भी ऐसा ही मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा रहता है ये वाला फैब्रिक भी। एंड पीछे से आप देख सकते हो इसमें भी इंटरलॉकिंग हो रही है, प्रॉपर अच्छे से टक हुए हुए हैं। कई बार होता है ना कि धुलने में इनके सारे धागे खिंच जाते हैं एंड काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं ये, तो मैं इनको बेसिकली आपको रिकमेंड करूँगी जब भी कभी आप इनको परचेज करते हैं हैंड वॉश करो। हालांकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं हैंड वॉश करने में, बट फिर भी आप हैंड वॉश ही करो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाए, तो उससे ज़्यादा लंबे टाइम तक टिके रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। एंड क्वालिटी वाइज मुझे ये भी अच्छा लगा है, कलर टोन बहुत अच्छी लगी है एंड आई थिंक ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुका है, तो उन्होंने उसकी पिक्चर इमेज जो है वो चेंज कर दी है,
बाकी मैं अगर हो पाया पॉसिबल तो आपके साथ वही वाला लिंक शेयर करूंगी, अदरवाइज इसी तरह के आपको और देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि कई बार होता है ना कि जब परचेजिंग कर लो तो उसके बाद स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है एंड उसकी जगह कोई और पिक्चर लग जाती है, तो वो मुझे समझ में नहीं आता कि प्रोडक्ट पे आउट ऑफ स्टॉक क्यों नहीं लगा देते, बट इट्स ओके। एंड बहुत ही प्यारा पीस है और इसके साथ भी आपको पिलो कवर्स मिलते हैं एंड इसके पिलो कवर्स में आपको यहाँ पे पाइपिंग भी मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका लुक। पिलो कवर्स का साइज़ नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। क्वालिटी अच्छी है एंड इसमें आपको कोई भी जिप नहीं मिलेगी, लाइक ये फ्लैप वाला है तो इस तरह का है, बेसिकली इसमें जिप नहीं दी गई है, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा पीस लगा एंड इसके लिए भी आप डेफिनेटली जा सकते हो। इसमें भी कोई बूर वूर नहीं निकला है और आराम से आप इनको बिछा सकते हो, बहुत सुंदर लुक देगा। लाइक ये जो भी हैं हल्के से वेलवेट टाइप में है, तो अगर आपके यहाँ कोई भी फंक्शन है या वेडिंग है या फिर आपके यहाँ कोई ओकेजन है तो उस पर बिछे हुए बहुत सुंदर लगते हैं, रूम में एक अलग ही लुक आता है, जैसे कि मैंने आपको ट्रायल शूट्स में दिखाए हैं, तो बहुत सुंदर लगते हैं, हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ, डेफिनेटली आप इनके लिए जा सकते हो एंड इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोडक्ट की तरफ, वो है सोफ़ा कवर, थ्रो सोफ़ा कवर है ये एंड ये येलो कलर में है, इसमें काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं अपने हिसाब से एंड ये फिक्री डिज़ाइन का है, बहुत सुंदर लुक है इसमें, ब्राइट येलो कलर है, बहुत सुंदर लग रहा है लगने के बाद, बट साइज़ थोड़ा छोटा है और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ, जितना ज़्यादा छोटा साइज़ है वो उतना ही प्राइस है, तो मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं दी थी, बाद में जब मैंने परचेज़ कर लिया उसके बाद मैंने देखा कि जितना साइज़ कम था वो ज़्यादा महंगा था और जो बड़ा साइज़ था वो थोड़ा कम महंगा था, तो मैं इसको एक्सचेंज करके बड़ा साइज़ मंगाने वाली हूँ, वैसे भी मेरे सोफ़े पे छोटा आया है, बच्चे होते हैं तो कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं सोफ़े पे एंड उसके लिए कवर आपको चाहिए चाहिए होता है, तो इस तरह के कवर्स आप डेफिनेटली ले सकते हैं, एक नया सा लुक आ जाता है सोफ़े पे। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, साइज़ इसका छोटा लगा। मैं एक चीज़ और पूछना चाहती थी आप लोगों से कि लाइक जो फिक्स वाले आते हैं, वो स्ट्रेचेबल वाले आते हैं ना, जो ऊपर से सोफ़े पे फिक्स हो जाते हैं, वो वाले सोफ़ा कवर अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसका फीडबैक मेरे साथ शेयर करना, बिकॉज़ मैंने काफ़ी बार देखा है हाउस ऑफ कुर्क के आते हैं, लाइक जिनका मुझे डिज़ाइन और कलर पसंद आता है तो वो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं एंड वो 2100 के आसपास का आता है, 3 सीटर का सेट, तो अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो लाइक मैं भी सोच रही हूँ उस तरह का कवर ख़रीदने की, अगर आपको कुछ अच्छी क्वालिटी के बारे में पता है तो प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक कमेंट करके। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कभी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ दिस, माय फेसबुक हैंडल इज़ दिस एंड फ्रेंड्स ये जो मैंने वियर करा हुआ है ये अमेजन से ही है, इसका हॉल वीडियो ऑलरेडी आ चुका है चैनल पे तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में और कमेंट करके बताएगा इनमें से कौन सी बेडशीट या फिर आपको सोफ़ा कवर या फिर ब्लैंकेट अच्छा लगा, तो मुझे ये चीज़ें ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मुझे आपके कमेंट जब आते हैं बहुत अच्छा लगता है, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा
और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।